गुड मॉर्निंग गाइस एंड अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक्साइटेड क्यों हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे तैयार होना है क्योंकि अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और मुझे 6 के आसपास अपने घर से बाहर निकलना है क्योंकि मुझे कहीं जाना है। मैं बताता हूँ कि आपको कहाँ जाना है। मैं आपको बताता हूँ कहाँ जाना है मैंने। लेकिन उससे पहले मुझे तैयार होना है, तो अभी तैयार होते हैं। हाँ जी, तो अभी मैं तैयार हो चुका हूँ, बस बाल बनाने बाकी हैं, तो अभी मैं बाल बना के आया। तो भाई मैंने सोचा कि बाल बनाने के बजाय टोपी पहन ली जाए। तो अब मैं बताता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और मैं एक्साइटेड क्यों हूँ। तो मैं स्कूल जा रहा हूँ और वहां मैं व्लॉग भी बनाऊंगा। और रही बात मेरे एक्साइटमेंट की, तो आज मेरा आखिरी एग्जाम है और वो है इंग्लिश का, और उसके बाद छुट्टियां। तो भाई मुझे जल्दी से शूज पहनने होंगे, तो मैं टेक्निक करता हूँ, अलग अलग काम कर जाए। तो इन 1, 2, 3 यस, काम कर गई भाई। अंदर से आपके भाई की ट्रांजिशन जूतों की यही हो गई। लेट हो रहा हूं। ओके, अच्छा भाई शूज तो पहन लिए, लेकिन अभी मुझे उधर जल्दी से पहुंचना होगा। तो हाँ जी, तो भाई अभी मैं स्कूल आ चुका हूँ और एग्जाम स्टार्ट होने में अभी थोड़ी देर है। अभी एग्जाम में थोड़ी देर दी गई है कि हम लोग रिवाइज कर लें, लेकिन मेरी फुल फ्लेज तैयारी है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं रिवाइज की। तो अभी मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता हूँ, अगर कुछ अच्छा लगा तो व्लॉग बनाता हूँ, नहीं तो फिर हम लोग बाद में मिलते हैं, ठीक है। उसके कुछ देर बाद मेरा एग्जाम स्टार्ट होने वाला था, तो मैं एग्जामिनेशन हॉल में जाके बैठ गया और मैंने एग्जाम दिया। 3 hours later मैं फारिग हो चुका हूँ एग्जाम से, तो मेरी छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई हैं। अब फुल टाइम इंजॉयमेंट होगा। फिलहाल अभी कुछ मैंने सोचा नहीं है कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि अभी 2-3 घंटे बाद आएगा बस वाला। जी हाँ, 2-3 घंटे बाद आएगा, तो अभी मुझे पता नहीं है क्या करना है। जैसे जैसे सब कुछ होता रहेगा हम आपको दिखाते रहेंगे। जी तो भाई अभी मैं इस वक्त जुबैर के साथ हूँ और मैं कुछ खाने के लिए जा रहा हूँ। अभी पता नहीं क्या खाना है, लेकिन बस चल रहे हैं, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ जी भाई, दोस्त जा रहे हैं अभी, उसके अबू में खल आ गए, इस वजह से वो मेरा साथ छोड़ के जा रहे हैं। हाँ जी, तो भाई अभी मैं आया हुआ हूँ डंकिन डोनट्स में और इधर से अभी कुछ खरीदूंगा। डोनट लिए है, लेकिन यार जब से व्लॉग स्टार्ट हुआ है तब से सिनेमैटिक शॉट्स नहीं आए यार। तो इन 3, 2, 1 कुछ है ही नहीं कैप्चर करने के लिए व्लॉग में। अभी बज रहे 10:30 बज रहे हैं और अभी से बोर होना स्टार्ट हो गया हूँ, और मेरे बस ड्राइवर ने आना है 12 बजे, तो तब तक पता नहीं टाइम कैसे गुजरेगा, लेकिन कुछ अच्छा होता है तो मैं कैप्चर करता हूँ व्लॉग में और आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, तो भाई अभी मैं बोर हो रहा था, इस वजह से मैंने सोचा थोड़े से गाने ही सुन लेते हैं, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। Oh,
और फिर मुझे मेरे दोस्त मिल गए। कहाँ घूम रहा है? उसके बाद क्या? उसके बाद आपका भाई भी छलांग मारने चला गया। वो आगे लो है। किस किसने किया था? और सबने किया था सिवाय इसके। और इसके इसने भी किया? नहीं किया। तो भाई आपके भाई के पास नया आईफोन 6 आ गया। बदल में ये आईफोन इसका था। ओके। ये सामने पार्क देख रहे हैं, इधर ये फानूस भी लगा हुआ है और काफी खूबसूरत पार्क है ये। तो हम लोग सोच रहे हैं इधर जाने की, और मैं कल जाने भी लगे क्योंकि दोस्त पहुंच गए हैं और अब मैं भी जाऊंगा। हाँ जी, तो भाई हम लोग इस वक्त पार्क में आ चुके हैं। ये देख रहे हैं, इस फानूस की बात कर रहा था। काफी अच्छा पार्क है ये बहुत बड़ा पार्क है वैसे। और इधर फोटो शूट हो रही। क्या हो गया राणा? मोबाइल था गीला हो गया। ओ दिखाई दिखाई दिखाई। ओहो, गिर गिर छलांगे मार। तुम लोग भी मारो। ये भी पूरा गीला हो गया है। अब इसकी बारी। ये लोग अब कोशिश कर रहे हैं, इन लोगों ने सबको गिरा चुके हैं पानी में। अब ये सिनान को भी गिराना चाहते हैं और बेचारे का आईफोन गीला हो गया। पूरा चल पूरा। ये देखिए ये मंकी फेस क्या हरकतें कर रहा है, पागल हो गया। पूरा गीला होके आएगा अभी इंशाल्लाह। इधर ही नहा लेगा, घर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी नहाने के लिए। ये देखो, हाँ हो गए पूरे गीले, आधे हुए हो। तो भाई पहले मुझे लग रहा था कि आज मेरा जो दिन है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं गुजरने वाला, बिल्कुल बोरिंग दिन गुजरेगा, लेकिन भाई बहुत इंजॉयमेंट किया हम लोगों ने, बहुत मज़ा आया। और मेरी बस आ चुकी है उधर, इधर दिख नहीं रहा होगा, उधर बस आ चुकी है मेरी। और अब मेरे टाइम हो गया घर जाने का, तो मैंने सोचा इधर तो व्लॉग का खात्मा कर देता हूँ, यानी व्लॉग ख़त्म कर देता हूँ। तो ठीक है यार, दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।